सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं। मैं, पापा जी और माँ, हम तीनों की तैयारी है नए वाले घर पे जाने की। आज वहाँ पे फुलारी आने वाले हैं फूल डालने के लिए। आज हम यहाँ इतनी सुबह आ गए हैं कि मनसुना मार्केट में अभी सनराइज हो ही रहा है। ये देखिए जी, आज नए वाले घर पे दो दो घोघा देवता आ रखे हैं और इतने सारे फुलारी। जय हो, जय हो, जय हो। हेलो 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 हेलो, प्रणाम 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 प्रणाम। तो यहाँ पे जितने भी सारे छोटे बच्चे आ रखे हैं, इनमें कुछ फुलारी हैं, कुछ डंडियोर हैं और कुछ पुजारी हैं। मतलब जिनके हाथ में ये थैले हैं, ये हैं सारे फुलारी, इतने छोटे बच्चे। और जो भी घोगा देवता को अपने कंधे पे ले जाएंगे, उनको बोलते हैं डंडियोर। और दो होंगे पुजारी जो मतलब पिठाई लगाते हैं। सब रुको रुको, आराम से आराम से आराम से आराम से सब तो सब तो सब तो सब कोई बात नहीं, मांग दे ये तो दे, सब तो सब तो दे, सब तो दे, सब बुता दे, आराम से आराम से आराम। तो अच्छी बात ये रही कि गांव के दोनों घोगा आज हमारे घर पे आए, तो बहुत बढ़िया माहौल रहा। सभी छोटे बच्चों ने नए घर पे फूल डाल दिए हैं और हमने जो भी उनके लिए रखा था खील बतासे जो भी रहते हैं तो वो दे दिए हैं। बाकी सभी फुलारी बच्चे ना खुश होके चले गए हैं। तो अच्छा हुआ हमारे नए घर की शुरुआत भी हो गई है फुलारियों से। तो जो घोगा देवता हैं या घोगा माता हैं, तो उनके बारे में अभी तक किसी को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतिहास मतलब कई लोगों ने, गाँव के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन्होंने इतिहास खंगाल के देख लिया, पुराने ग्रंथ ये सब चीज़ें पढ़ के देख लिए, लेकिन कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। बस मान्यता है, इसको निभाना हमारा फर्ज है और आगे की पीढ़ियों तक बढ़ाना भी हमारा फर्ज है। दीदी की आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो उनके गांव में घोगा देवता को अलग तरीके से नचाते हैं। मतलब डोली भी अलग रहती है और यहाँ ना घर घर में दहलीजों पे फूल डालते हैं, लेकिन उनके गांव में छोटी छोटी मालाएँ बनाई रहती हैं, जिसे आपने देखा होगा वीडियो में। तो हर गाँव के रीति रिवाज परम्पराएँ थोड़ा बहुत चेंज तो होते जाते हैं। और पहले मैं श्रीनगर में रहता था तो वहाँ डोली डोली तो रहती थी नहीं, बस जो फुलारी थे ना वो एक महीने तक फूल डालते थे। सोचिए हमारे यहाँ 8 दिन तक चलता है, कल 8वां दिन है, कल है अठवाड़ू। तो मतलब कल जितने भी ये घोगा हैं उनका अलग अलग जगह पे आउटडोर कुकिंग टाइप की होती है, मतलब घर से बाहर खाना बनाना है, तो ऐसा कुछ होता है। कितना प्यारा सा माहौल है नहीं, बसंत ऋतु का आगमन हो, हर पेड़ पौधे पे नए नए कोपले, नए नए फूल। और ऐसे में छोटे बच्चे सुबह उठ के सारे गाँव में हर किसी के घर पे जाके फूल डालते हैं, तो ये माहौल तो कुछ अलग ही रहता है। और हम ले आए थे खील और लीची दाना। और वैसे ना पुराने ज़माने के लोग वो देते थे, रामदाना हो गया, मरछा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, उनको भून के देते थे और भट भी देते थे, भौरे भी देते थे। और ये माँ ना बगल पड़ोस में देने के लिए ले जा रही है, इनको जो बचे हुए हैं ना तो सारे यहीं पर इधर उधर दे देंगे। गाँव में हर घर पर जाके खील बतासे, लइयाँ, मुरमुरे ये सब चीज़ें मिलती ही हैं, गुड़ भी मिलता है, मतलब खाने की चीज़ें मिल ही जाती हैं। साथ ही साथ
पैसे भी मिलते हैं, जो पुजारी रहते हैं जो पिठाई लगाते हैं, तो पिठाई की थाली में आप मतलब पैसे डाल सकते हैं, 10 रुपये 20 रुपये जो आपके पास है वो दे सकते हैं। और लास्ट के दिन ना सभी पैसों की काउंटिंग होती है, उन्हीं पैसों से लास्ट के दिन अठौड़े का सामान आता है, मतलब कि खाना बनाने का सामान आता है। और उसके बाद जितने पैसे बच जाते हैं वो सभी फुलारियों में बांटे जाते हैं, चाहे 2 रुपये आए 10 रुपये आए 20 रुपये आए। और जब हम फूल डालते थे ना, पहले तो हम अकेले डालते थे फूल, अकेली जगह पर तो घोगा देवता होते नहीं, बस कौंडजी ले जाके फूल डालना था। तो हम जैसे कभी पाली फापन वालों के घोगा देवता के साथ जाते थे, तो उनके साथ हमको जैसे लास्ट में 8वें दिन 7 रुपये 8 रुपये 5 रुपये ऐसे मिलते थे। और उसमें भी लड़ाई होती थी कि इसने पैसे खा दिए उसने पैसे खा दिए, ऐसा वाला सीन होता है। तो आज का अब दूसरा काम ये है कि यहाँ पे जिस गीजर पे हमने कल MC लगाई थी उसको सुखाने के लिए रख देते हैं अभी धूप पे जाते तक। शाम को फिर वो प्लम्बर भैया आएंगे तो वो इसको फिट कर देंगे, देखते हैं काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने वारंटी वाले पे छेड़ दिया, अब तो दिक्कत हमको ही होने वाली है अभी। तो यहाँ पे माँ और पापा जी लगे हैं सफाई करने पे, और यहाँ पे मिस्त्री जी ने हमको दिए हैं 2-2 चोकली बना के। आज कमरों के अंदर पूरी सफाई कंप्लीट कर देंगे, और साथ ही साथ कंप्यूटर टेबल पे जितनी भी ये पन्नियाँ लगी हुई हैं बाहर से माइका पे, इनको छुटाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, देखिए कितने प्यार से निकल रही हैं। अंदर कमरों से इतना सारा कचरा निकल रहा है, मतलब प्लास्टिक हो गया, अखबार हो गया, धूल हो गई, धूल भी नहीं है ये बुरादा टाइप का लकड़ी का, तो सब लगे हैं आज सफाई करने। किचन के जो ऊपर के कैबिनेट हैं इनसे पन्नियां छुटाने के बाद काफी अच्छा चमक रहा है। पन्नियों पे तो बाहर से लिखा रहता है कंपनी का नाम ये वो, और ये भी लिखा रहता है कि मतलब लगाने के बाद ही ये पन्नी छुटाए हैं कुछ ऐसे। ऊपर के कैबिनेट से सारी प्लास्टिक उतार दी है, और देखिए कितना कबाड़ सा हो गया है। अब नीचे के जितने भी पल्ले हैं सबसे प्लास्टिक छुटानी है, और नीचे का कलर कुछ ऐसा वाला है, ये देखिए हल्का मतलब डार्क में है, और ऊपर मैंने लाइट रखा जिस वजह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक अच्छा सा वाला। तो अब माँ को पूछते हैं कि किचन कैसा लग रहा है सफाई करने के बाद। बहुत अच्छा चमक रहा है, मस्त मस्त। अभी जो ऊपर के कैबिनेट हैं उन पे बहुत सारी मतलब हीटेक्स फेविकॉल ये सब चीज़ें चिपकी हुई हैं, तो जो थिनर हम कल ले आए थे डब्बे वाला वो बढ़िया है, उससे सर दर्द नहीं हो रहा है, सर भारी भारी नहीं हो रहा है। और मम्मी पापा तैयारी कर रहे हैं घर को जाने की, घर के काम भी ज़रूरी हैं, मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक सफाई करते रहूँगा, फिर मैं लंच के टाइम पर निकल जाऊँगा घर की ओर। करीब 1-2 घंटे से सफाई के काम पर लगा हूँ अंदर ही, और बाहर देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम गड़बड़ सा हो रहा है, कितने काले काले से बादल ऊपर मंडरा रहे हैं। तो प्लान हो गया है चेंज, मुझे लंच करने के लिए घर जाना था लेकिन मैंने पापा जी से ही मंगवा दिया लंच। मैंने सोचा कि अब 2 भी बज गए, घर जाके फ़ायदा क्या है, आधा घंटा तो आने जाने में लगेगा, और फिर खाना खा के थोड़ा सा आराम ये सब चीज़ें, उससे अच्छा मैं सफाई पे लगा रहता हूँ। अभी मैंने किचन सारा साफ कर दिया है, ऊपर जो कैबिनेट बने थे उनके अंदर सफाई कर दी है, और अब मैं कंप्यूटर टेबल की सफाई करूँगा। तो कंप्यूटर टेबल की सफाई में भी ज़रा टाइम तो लगेगा ही, बाकी पापा जी भी आ गए हैं मेरे लिए लंच ले आके। तो आज के लंच में है दाल चावल अचार लंगड़े की सब्जी, और सामने ऐसे खूबसूरत से नज़ारे जिनमें कि ऊपर ऊपर पहाड़े में बर्फबारी हो रही है। और जैसे ही लंच किया बाहर देखिए फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, और सामने के पहाड़ों पर कहीं बर्फबारी कहीं धूप लगी है, और कहीं सामने से आकाश नीला हो गया है, तो पता नहीं हर टाइप के मौसम अभी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कंप्यूटर टेबल की सारी दराजें निकालनी हैं और एक एक करके उनकी सफाई करनी है अंदर की साइड से। खूब सारी मेहनत करने के बाद कंप्यूटर टेबल चमक के तैयार हो चुकी है। तो प्लम्बर भैया का फ़ोन आया कि आज वो नहीं आएंगे, कहीं दूसरी जगह काम पे हैं, तो कल सुबह आएंगे वो, तो देखते हैं कल सुबह करेंगे गीजर की फिटिंग। तो अभी उनका फ़ोन आया कि आप ही एक बार गीजर को चेक कीजिए, अगर लीकेज बंद हुआ होगा तो अच्छी बात है, वो फिर कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो गया है, जो MC है उसने अपना काम कर दिया, मतलब लीकेज नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात हुई। ये गीजर तो मैंने ही फिट कर दिया है, लेकिन अब असली बारी है इसको प्रेशर वाले पानी पे चेक करने की।